नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कार क्वेस्ट में। मेरा नाम है विनय कंबोज और आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस ऑल न्यू नेक्सॉन के बारे में। और ये जो वेरिएंट है इसका, ये प्योर एस वेरिएंट है, तो डिटेल में जानेंगे कि क्या कुछ फीचर्स जो हैं आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। और अगर आप टाटा मोटर्स का कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करना चाह रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेट्रो मोटर्स करनाल को, और जो डीलर के कॉन्टैक्ट डिटेल्स है सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। इस नंबर पर कॉल करके आप किसी भी टाटा प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स जो है ले सकते हैं। तो सबसे पहले वेरिएंट मैं आपको बता देता हूं, तो टोटल आपको चार वेरिएंट यहां पे मिलेंगे, जो स्टार्टिंग रहेगा स्मार्ट, देन प्योर ये आपको मिलेगा, उसके बाद क्रिएटिव और टॉप वेरिएंट आ जाएगा फियरलेस। ऑलरेडी हमने क्रिएटिव प्लस पे एक वीडियो किया हुआ है और फियरलेस पे एक वीडियो किया हुआ है, अगर वो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स जो हैं वो अवेलेबल है। और इसके अंदर हम सिर्फ प्योर के बारे में बात करेंगे, वैसे सभी वेरिएंट के साथ आपको कस्टम पैक्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं, लेकिन प्योर का मैं आपको बताऊं तो सिर्फ यहाँ पे एक कस्टम पैक आपको एडिशनल मिलेगा, जिसको नाम दिया गया है प्योर एस। तो ये जो वेरिएंट है ये प्योर एस वेरिएंट है, तो इसके बारे में बात करने वाला हूँ। वैसे मैं आपको बता दूं कि प्योर और प्योर एस के अंदर जो डिफरेंस है वो सिर्फ चार चीज़ों का आपको डिफरेंस मिलेगा। ऑटो हेडलैम्प्स यहाँ पे एक्स्ट्रा है, रेन सेंसिंग वाइपर्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, IRVM जो है यहाँ पे मैनुअल डे नाइट आपको मिल रहा है, और साथ ही सनरूफ आपको मिल रहा है। तो ये चार फीचर्स जो हैं प्योर एस के अंदर एक्स्ट्रा मिलेंगे, रेस्ट सारे फीचर्स आपको प्योर वाले ही यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि इन चार फीचर्स को निकाल के कि ये प्योर वेरिएंट ही है। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या कुछ फीचर्स टाटा मोटर्स ने इसके अंदर दिए हैं। और कलर्स की बात करें तो बेस वेरिएंट के साथ आपको तीन कलर ऑप्शन मिलेंगे, वाइट, ग्रे और रेड, और ये तीन कलर जो है स्टैंडर्ड है, मतलब सभी के अक्रॉस आपको मिलेंगे। उसके बाद वेरिएंट के हिसाब से आपको अलग अलग कलर दिए गए हैं, जैसे जब आप प्योर पे जाएंगे तो एक ये कलर आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, इसको प्योर ग्रे कलर दिया गया है। आपको ये कलर किस तरह का लग रहा है कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। उसके बाद क्रिएटिव के साथ क्रिएटिव ओशन कलर आपको मिलता है, और टॉप वेरिएंट फियरलेस के साथ एक फियरलेस पर्पल कलर आपको मिलता है। प्राइजेस भी मैं आपको यहीं बता देता हूँ, तो प्योर जो है ये सिर्फ आपको पेट्रोल और डीजल के साथ मिलेगा, और सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन ही देखने को मिलेगा, यहाँ पे कोई ऑटोमेटिक या AMT का ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। उसके बाद अगर आप प्योर को कंसीडर करते हैं पेट्रोल के साथ, तो उसका जो एक शोरूम प्राइस रहेगा 9,70,000, और जब आप इसको कंसीडर करेंगे डीजल में तो उसका प्राइस हो जाएगा 11 लाख। और अगर आप ये प्योर एस कंसीडर करना चाह रहे हैं तो प्योर में एक्स्ट्रा आपको 50,000 जो है एक शोरूम के अंदर पे करना पड़ेगा, तो वो उनके एक शोरूम प्राइजेज रहेंगे। सभी एक शोरूम प्राइजेज जो हैं वो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएंगे, वहाँ से किसी भी वेरिएंट का प्राइस जो है चेक कर सकते हैं। और जितने भी प्राइजेज नीचे दिए गए हैं वो सभी एक शोरूम प्राइजेज हैं, रेस्ट आप ऑन रोड अपने स्टेट के अकॉर्डिंग जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मोटा मोटा क्या है कि आपको चार फीचर्स के लिए 50,000 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे यहाँ पे। चार एक बार दोबारा बता देता हूँ, सनरूफ आ गया, ऑटो आपको जो IRVM है वो मैनुअल डे नाइट हो गया, रेन सेंसिंग वाइपर और ऑटो हेडलैम्प्स। तो आपके हिसाब से कि क्या वर्थ है इस प्योर एस के लिए अपग्रेड करना, वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। अब एक बार इसका डिटेल्ड वॉक अराउंड जो है वो कर लेते हैं। कार के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इन्वॉल्व कार परफ्यूम्स के बारे में। ये जो अभी आप देख रहे हैं ये स्प्लैश फ्रेग्रेंस है, और ये जो परफ्यूम है अभी फाइबर परफ्यूम है। इसके अलावा आपको यहाँ पे जेल फ्रेग्रेंसेस और एयर परफ्यूम्स भी मिलते हैं। टोटल आपको 75+ फ्रेग्रेंसेज जो है इन्वॉल्व ऑफर करता है, तो अपने पसंद के हिसाब से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। और मेरी तरफ से ये जो प्रोडक्ट है आपको हाईली रिकमेंडेड है, क्योंकि इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो काफ़ी अच्छी है, और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी आपको अच्छी मिलने वाली है। और साथ ही अगर आप चाह रहे हैं कि आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिले, तो हमारा कोड यूज़ कर लीजिएगा कारक्वेस्ट, और परचेज़ करने के लिए सारे लिंक्स जो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। सो अब नेक्सॉन की बात कर लेते हैं। सो सामने से जब आप इस गाड़ी को देखते हैं तो लुक्स जो है भाई नेक्सॉन की वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी यहाँ पे लगती है, और जो विड्थ है इसकी अब हो गई है 1804 mm। और जब आप फ्रंट का पार्ट देखते हैं ना, तो यहाँ पे अब आपको LED DRLs जो हैं कुछ इस तरह के यहाँ पे ऑफ़र किए गए हैं, इस वेरिएंट के अंदर भी आपको मिलेंगे, बल्कि ये स्टैंडर्ड रखा गया है। और ये जो डिज़ाइन है ना ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पे लगता है, और इन्हीं के अंदर आपको जो टर्न इंडिकेटर्स है वो ऑफ़र किए गए हैं, तो मतलब ये ड्यूल फंक्शन आपको DRLs ऑफ़र कर दिए गए हैं। ये जो पार्ट है कम्प्लीट ग्लोसी ब्लैक फिनिश के साथ मिलता है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये टाटा मोटर्स का लोगो। और जब नीचे की तरफ आप यहाँ पर देखते हैं तो ये आपको ऑफ़र कर दी गई है LED प्रोजेक्टर लैंप्स, और इनका जो थ्रो है वो भी काफ़ी अच्छा है। इस वेरिएंट के अंदर कोई भी फॉग लैंप्स का ऑप्शन जो है आपको नहीं मिलता है, यहाँ पे एयर कर्टन्स जो है वो ऑफर कर दिए गए हैं। और ये जो पार्ट है कंप्लीट इसको मैट ब्लैक ट्रीटमेंट जो है यहाँ पे दे दी गई है, यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का डिज़ाइन
मिल जाएगा, यहाँ पे भी काफ़ी स्पेस मिलता है, यहाँ पे भी स्पेस रखा गया है, तो एयर फ्लो जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से होने वाला है। उसके बाद इंजन हुड जब आप देखते हैं तो इंजन हुड का डिज़ाइन जो है वो भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे रखा गया है। अगर आपने थोड़ा ध्यान दिया हो तो ये जो पार्ट है ना इसका, ये मैच करता है थोड़ा थोड़ा टाटा पंच के साथ में। इस वेरियंट के अंदर आपको ऑटो हेडलैम्प्स और रेन सेंसिंग वाइपर्स जो है वो भी यहाँ पर मिलते हैं। साइड से जब आप इसको देखते हैं तो जैसे आप जानते हैं कि ये जो गाड़ी है एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी है, तो उसी के अकॉर्डिंग इस कार की लेंथ भी रखी गई है 3995 mm। एक बार टायर साइज़ आप यहाँ पे देख लीजिए, तो 16 इंचेस के जो स्टील रिम्स है आपको यहाँ पे ऑफर किए गए हैं और ये स्टैंडर्ड है सभी के अक्रॉस। फुल व्हील कवर आपको यहाँ पे मिल जाएगा और इनका जो डिज़ाइन है वो भी अच्छा लग रहा है, और जो टायर प्रोफाइल है 195/60 आपको मिलने वाली है। ऑल अराउंड आपको ये जो स्कर्टिंग्स है ब्लैक कलर की वो देखने को मिल जाएगी, और इस वेरियंट से आपको ये जो डोर्स पे स्कर्टिंग्स जो दी गई है ना, ये कंप्लीट आपको मैट ब्लैक में मिलती है। अपर वेरियंट्स में क्या है कि इसका हाफ पार्ट जो है वो बॉडी कलर मिलता है और जो लोअर पार्ट है वो आपको यहाँ पे मैट ब्लैक फिनिश के साथ मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस जो है आपको 208 mm की यहाँ पे ऑफर की गई है। ORVMs जब आप देखते हैं तो यहाँ पे ग्लोसी ब्लैक फिनिश के साथ आपको मिलेंगे। ब्लिंकर्स जो है इनके अंदर वो आपको मिलने वाले हैं, और ये जो है मैनुअली आप इनको फोल्ड कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे मिलने वाली है। हैंडल्स जो है ये आपको इस मैट ब्लैक फिनिश के साथ मिलेंगे, और इस शोल्डर लाइन पे भी आपको ब्लैक ट्रीटमेंट जो है वो दे दी गई है। ये जो है टाटा मोटर्स ने काफ़ी अच्छा किया, क्योंकि जो वाइट स्ट्रिप है वो इतनी कोई ज़्यादा नहीं अच्छी यहाँ पे नहीं लगती थी, अब ये जो स्ट्रिप है ये काफ़ी अच्छी यहाँ पे लग रही है। ए पिलर को भी ब्लैक ट्रीटमेंट दी गई है और बी पिलर को भी ब्लैक ट्रीटमेंट, और रियर में सी पिलर पे भी आपको ब्लैक यूजेस दिखाई देगा। ऊपर की तरफ रूफ रेल्स जो है वो आपको मिलने वाली है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है 44 लीटर्स की आपको यहाँ पे दी गई है। रियर प्रोफाइल जो है कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे एक डिफरेंस क्या रहेगा कि जैसे टॉप वेरियंट्स के अंदर आपने देखा ना कि कनेक्टिंग आपको ये टेल लाइट्स मिलती है, तो यहाँ पे जो है कुछ इस तरह की लाइट्स आपको मिलेंगी। सिर्फ ये जो पार्ट है ये ग्लो करता है, ये जो कनेक्टिंग वाला पार्ट है ये यहाँ पे ग्लो नहीं करेगा, सिर्फ ये लुक्स के लिए यहाँ पे रखा गया है। तो एटलीस्ट इसको जो है स्टैंडर्ड कर देना चाहिए था टाटा मोटर्स का, कि हर वेरिएंट के क्रॉस आपको ये कनेक्टिंग लाइट्स जो है वो यहाँ पे ज़रूर मिलनी चाहिए थी। ऊपर की तरफ जब आप देखेंगे तो यहाँ पे ग्लोसी ब्लैक फिनिश के साथ आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा, देन आपको ये स्पॉइलर दे दिया गया है, और इसका ये जो पार्ट है इसको मैट ब्लैक ट्रीटमेंट यहाँ पे दी गई है। इस वेरिएंट के अंदर आपको कोई भी वाइपर वॉशर डिफोगर यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। ये जो पार्ट है इसका, ये स्टॉप लैंप आपको यहाँ पे दिया गया है, ये टाटा मोटर्स का लोगो, इंडिकेटर्स जो हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, और जो बैक लाइट है वो नीचे की तरफ आपको मिलेगी, और ये जो पार्ट है ये इसका रिफ्लेक्टर पार्ट आपको मिलता है। रियर बम्पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पे मैट ब्लैक ट्रीटमेंट आपको दिखाई देगी। दो सेंसर्स दिए गए हैं जो रिवर्स पार्किंग में हेल्प करने वाले हैं। यहाँ पे आपको NX1 का बैज मिल जाएगा, और बूट एक्सेस के लिए आपको यहाँ पे कोई बटन नहीं मिलता है, तो सामने की तरफ एक तो आपको बटन मिलेगा, और दूसरा आप इस बटन को प्रेस करके रखेंगे तो बूट जो है आपका वो अनलॉक हो जाएगा और आप इसको ओपन कर सकते हैं। 350 लीटर्स का बूट स्पेस आपको यहाँ पे दिया गया है, अगर सिर्फ यहाँ तक आप इसको यूज़ करते हैं पार्सल ट्रे से नीचे। वैसे टाटा मोटर्स 382 बता रहा है, वो बता रहा है कि पूरा जब यहाँ तक आप इसको मेज़र करते हैं, तो नॉर्मली यहीं तक आप लगेज रखते हैं, क्योंकि वरना फिर रियर का जो व्यू है वो आपका यहाँ पे ब्लॉक होता है। सो यहाँ पे जब नीचे की तरफ देखेंगे तो 16 इंचेस का आपको स्पेयर व्हील मिलेगा, टूल किट वगैरह जो है वो आपको यहाँ पे ऑफर कर दी गई है। और अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि अब नेक्सोन पेट्रोल और डीजल के साथ जो पंचर रिपेयर किट है वो डिसकंटिन्यू हो गई है, अब सिर्फ नेक्सोन ईवी के साथ आपको जो है पंचर रिपेयर किट यहाँ पे टाटा मोटर्स ऑफर करता है। ये आपको मिल जाएंगे यहाँ पे हुक्स दो इस तरफ और दो आपको इस तरफ मिलेंगे। पार्शियल सेल्फ जो है वो आपको एडिशनल परचेज करनी पड़ेगी। एक 12 वोल्ट का सॉकेट आपको यहाँ पे दिया गया है। रियर में जब आप देखते हैं तो दो आपको हेडरेस्ट मिल जाएंगे और दोनों ही एडजस्टेबल है। फोल्ड करना चाहें तो इस सीट को 100% आप फोल्ड कर सकते हैं। अब मैं आपको इसकी रियर सीट पर ले चलता हूँ। सो जैसे ही डोर ओपन करते हैं जो डोर ट्रिम्स हैं कुछ इस तरह के आपको दिखाई देंगे। इस ब्लैक और इस बेज कलर का यूजेस किया गया है। ये वैसे तो लग रहा है कि सॉफ्ट टच है, लेकिन एक्चुअल में ये जो है ये हार्ड प्लास्टिक है, तो हर जगह प्लास्टिक मटेरियल आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा बोतल होल्डर, और यहाँ पे ये जो पार्ट है ये ग्लोसी ब्लैक फिनिश के साथ आपको मिलता है। सीट्स एक बार देख लीजिए तो कुछ इस तरह की आपको ये सीट्स जो हैं यहाँ पे ऑफर
की गई है, ब्लैक फिनिश के साथ आपको मिलेंगी। ओवरऑल जो फैब्रिक है वो भी इनका ठीक रखा गया है, और जो कुशनिंग वगैरह वो भी आपको ठीक मिलने वाली है। अब एक बार अंदर का स्पेस जो है वो चेक कर लेते हैं। सामने वाली जो सीट्स है वो मेरे अकॉर्डिंग एडजस्टेड है, तो उसके बाद लेग रूम आपको अच्छा मिलता है, क्योंकि जो व्हील बेस है 2498 mm का आपको ऑफर किया गया है। लेग रूम थाई स्पोर्ट जो है वो आपको अच्छा मिलता है। उसके बाद रिक्लाइन एंगल जब आप देखते हैं तो रिक्लाइन एंगल भी ठीक है, और ऊपर की तरफ हेडरूम जो है मुझे कुछ इतना यहाँ पे दिया गया है। वैसे इसको इस तरह से यहाँ से डिज़ाइन किया गया है, अगर सेम ऐसे ही कर देते तो फिर तो भाई ऊपर टच होता, लेकिन इसको यहाँ से थोड़ा स्मार्टली जो है वो डिज़ाइन किया गया है, तो कुछ ऐसा आपको हेडरूम यहाँ पे मिलेगा। हेडरेस्ट मैंने आपको बताया कि आपको दो हेडरेस्ट मिलते हैं, और अब सभी तीन पैसेंजर के लिए 3 point सीट बेल्ट जो है आपको वो यहाँ पे ऑफर कर दी गई है। चार्जिंग के लिए सिर्फ एक ये 12 volt का सॉकेट जो पीछे है सिर्फ आपको वो मिलता है। उसके अलावा जब आप यहाँ पे देखते हैं तो आपको ये AC वेंट मिल जाएगा, और कोई भी चार्जिंग का ऑप्शन नहीं दिया गया है। सामने वाले जो हेडरेस्ट हैं वो एडजस्टेबल हैं, और सीट बेल्ट जो है ये भी आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट के साथ मिलेगी, तो इसको भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये आपको यहाँ पे दे दिए गए हैं कोट हुक। अब मैं आपको इसकी ड्राइवर सीट पे ले चलता हूँ, लेकिन उससे पहले की मैं आपको दिखाता हूँ। तो एक तो कुछ इस तरह की आपको मैनुअल की मिलेगी, दूसरी जो है इस तरह की मिलेगी, इधर की तरफ टाटा का लोगो और इस तरफ लॉक अनलॉक फॉलो मी लाइट, और थोड़ी देर प्रेस करके रखेंगे तो बूट अनलॉक यहाँ से होने वाला है। और जैसे ही ड्राइवर डोर ट्रिम आप ओपन करते हैं तो ये भी आपको सेम ड्यूल टोन के साथ मिलती है, और ये जो पार्ट है ये इसका मिलेगा यहाँ पे इस फिनिश के साथ, और ये जो है प्लास्टिक मटेरियल है, ये भी प्लास्टिक मटेरियल है। ये ऑल फोर पावर विंडोज़ के कंट्रोल, ये आपको मिरर्स के एडजस्टमेंट के कंट्रोल यहाँ पे मिलेंगे। ड्राइवर विंडो जो है वो 4-way एडजस्टेबल आपको मिलती है, मतलब हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन जो है यहाँ पे नहीं दिया गया है। यहाँ पे जब आप देखते हैं तो थोड़ा सा स्पेस आपको मिलेगा, इसको कोई प्रैक्टिकली यूजेस जो है आप नहीं कर सकते हैं। सो आप देख लेते हैं एक बार इस कार के इंटीरियर्स। सो जो इंटीरियर्स है कुछ इस तरह के आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। सबसे पहले मैं इग्निशन एक बार ऑन कर देता हूँ, तो आप देखें कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे ये दिखाई देगा। सबसे अच्छा लगता है भाई मुझे इसका ये स्टेयरिंग व्हील, इस पर ये जो टाटा का लोगो यहाँ पे दिया गया ना, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये ग्लोसी फिनिश के साथ है, तो इसको लेमिनेशन जो है आपको वो ज़रूर कराना पड़ेगा। यहाँ पे ये डी कट आपको ऑफर किया गया है। रेगुलर स्टेयरिंग मिलता है, कोई भी लेदर रैप इस तरह का फिनिश आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। टिल्ट एडजस्टमेंट आपको दे दी गई है, टेलीस्कोपिक ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। इस तरफ जब आप देखते हैं तो ये आपको कंट्रोल्स मिलेंगे उस सामने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के, और इस तरफ जब आप देखते हैं तो ये मल्टीमीडिया और वॉइस कमांड के कंट्रोल जो हैं वो आपको दे दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे वॉइस असिस्टेड इलेक्ट्रिक सनरूफ आपको मिलती है। उसके बाद सामने की तरफ जब आप देखेंगे तो कुछ इस तरह का क्लस्टर आपको दिखाई देगा, इधर की तरफ ये RPM मीटर, और दूसरी तरफ आपको वो दिखा रहा है जो ब्लिंक कर रहा है वो फ्यूल गेज, और ऊपर की तरफ इंजन टेम्परेचर गेज, और सेंटर में एक DIS है जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको ये शो करने वाला है। उसके बाद जब इसका डैशबोर्ड आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये 7 inches का टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम बाय हार्मन। इसके अंदर आपको एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो की कनेक्टिविटी जो है वो देखने को मिल जाती है थ्रू वायर। वर्ड 3 words भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो और जो टच है भाई वो भी इसका आपको यहाँ पे अच्छा मिलता है। और पार्क असिस्ट क्या है कि कुछ इस तरह से आपको ये शो करेगा, जितना आप क्लोज जाएंगे ना तो ये जो है ये चेंज होता जाएगा, यहाँ पे ग्रीन रेड और ऑरेंज ये चेंज होता जाएगा, तो ये इस तरह से आपको यहाँ पे गाइड जो है वो करने वाला है। नीचे की तरफ जब आप देखेंगे तो ये आपको यहाँ पे कैपेसिटिव टच बटन्स जो हैं वो दे दिए गए हैं सारे के सारे, और यहाँ से आप इसका जो लेवल है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे ये ब्लू है और लाइट्स अभी ग्लो हो रही हैं, तो ये अभी AC चल रहा है, और जैसे आप इसको कम करेंगे तो ये हीटर की तरफ चला जाएगा। यहाँ से फैन स्पीड डिक्रीज, बूट अनलॉक, लॉक अनलॉक के लिए तो सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे जब आप देखते हैं तो एक USB A पोर्ट और साथ में 12 वोल्ट का सॉकेट आपको दिया गया है। मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही आपको ये वेरिएंट मिलता है पेट्रोल और डीजल में, और आपको ड्राइव मोड्स भी मिलेंगे। इको सिटी स्पोर्ट्स ये आपको दे दिया गया है स्पेस, तो यहाँ पे जो कप वगैरह है वो रख सकते हैं, और स्पेस यहाँ पे भी आपको मिलेगा। कुछ इस तरह की हैंड ब्रेक आपको मिलेगी, जो टिप है वो ग्लोसी ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ आपको दे दी गई है। डैशबोर्ड जब आप देखते हैं तो कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपको ये यहाँ पे मिलने वाला है। ये जो पार्ट है ये सारा आपको हार्ड प्लास्टिक मिलेगा, लेकिन ये जो फील दे रहा है सॉफ्ट टच वाला आपको यहाँ पे दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में है ये भी हार्ड प्लास्टिक। फिट एंड फिनिश जो है भाई आपके सामने है,
इस वेरिएंट में भी मुझे सच कोई दिक्कत नहीं लग रही है कि अंदर की तरफ प्रॉपरली फिट एंड फिनिश आपको यहाँ पे मिल रही है। और ग्लोव बॉक्स जब आप ओपन करते हैं तो स्पेस आप देख सकते हैं, ग्लोव बॉक्स का स्पेस अच्छा खासा आपको यहाँ पे ऑफर कर दिया गया है। हालांकि इसके अंदर आपको टैबलेट होल्डर अलग से जो है वो नहीं मिलने वाला है। ऊपर की तरफ जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर मिल जाएगा, और इस तरफ जब आप देखेंगे तो यहाँ पे टिकट होल्डर मिल जाएगा। आपको यहाँ पे मैनुअल डे नाइट IRVM जो है वो भी दिया गया है, और ये आपको कंट्रोल मिल जाएंगे इस इलेक्ट्रिक सनरूफ के। पैसेंजर एयरबैग और एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन का आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन आता है, जिसको आप उधर से एक्टिवेट और डीएक्टिवेट जो है कर सकते हैं। तो ये हो गए इस कार के इंटीरियर्स। किस तरह के आपको लगे इसके इंटीरियर्स वो मुझे बताइएगा। आप बात कर लेते हैं इसके सेफ्टी और इंजन के बारे में। सो आप सेफ्टी की बात करते हैं तो नेक्सॉन तो जानी जाती है अपनी सेफ्टी के लिए। आप यहाँ पे 6 एयरबैग्स जो हैं वो आपको स्टैंडर्ड मिलेंगे, मतलब हर वेरिएंट में 6 एयरबैग दिए गए हैं, ड्राइवर, को ड्राइवर, साइड एयरबैग्स और कर्टन एयरबैग्स। साथ ही आपको ABS ब्रेक्स विद EBD, ESP फंक्शनैलिटी विद हिल होल्ड, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, तो ये सारे सेफ्टी फीचर इस वेरिएंट के अंदर मिल जाते हैं। टॉप वेरिएंट के अंदर आपको फ्रंट में सेंसर, रियर में सेंसर, 360 डिग्री कैमरा, तो और सारे काफ़ी फीचर्स आपको ऑफर कर दिए गए हैं। आप बात कर लेते हैं इसके इंजन की, तो पेट्रोल और डीजल के साथ आपको नेक्सॉन मिलती है। पेट्रोल की बात करें तो यहाँ पे 1.2 लीटर्स का रेवोट्रॉन इंजन मिलता है, जो एक 3-सिलेंडर इंजन है जो मैक्सिमम पावर जनरेट करता है 120 PS की, और टॉर्क प्रोड्यूस करता है 170 न्यूटन मीटर्स का। और जब आप डीजल कंसीडर करते हैं तो डीजल के साथ आपको 1.5 लीटर्स का रेवोटॉर्क डीजल इंजन मिलता है, जो मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करता है 115 PS की, और टॉर्क प्रोड्यूस करता है 260 न्यूटन मीटर्स का। पेट्रोल के साथ आपको मैनुअल, AMT और DCA का ऑप्शन मिलता है, लेकिन वो अपर वेरिएंट्स में मिलेगा। और डीजल के साथ आपको मैनुअल और AMT का ऑप्शन मिलेगा, वो भी आपको अपर वेरिएंट में देखने को मिलेगा। वारंटी की बात करें तो 3 ईयर्स और 1 लाख किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है। आप इसको फर्दर एक्सटेंड कराना चाहें तो फर्दर एक्सटेंड भी करा पाएंगे। सो ये था हमारा एक डिटेल्ड वीडियो इस नेक्सॉन प्योर S वेरिएंट पे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।